ये जो लाल वाली मुर्गी है ना, तो अभी जस्ट इसने अंडा दिया। एक्चुअली मैं वीडियो कैप्चर करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया, मोबाइल लेके आया तब तक जो है ना वो अंडा दे चुकी थी। तो ये आप देख सकते हो, मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और इसका साइज़ आप देख सकते हैं। तो ये जस्ट इसने अभी दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। और साइज़ दोस्तों काफ़ी बड़ा साइज़ है। और इनको दोस्तों मैं लेयर फीड नहीं दे रहा हूँ, मैं लेयर फीड दे रहा था उस समय भी मुझे सेम साइज़ मिलता था और अभी भी सेम साइज़ मिल रहा है। तो लेयर फीड दोस्तों मैं इनको नहीं देता हूँ। तो ये जो अंडा है ये अपने खाने के लिए है, तो इसे हम हैच नहीं करेंगे। और दोस्तों बहुत जल्द ना हमें RIR ये जो मुर्गा है और यहाँ पे ये मुर्गा, और दोस्तों बाहर है ब्लैक स्टॉलॉप और एक RIR है, तो इन मुर्गों को दोस्तों हमें बांध के रखना होगा या फिर उनको हमें सेल करना होगा। अदरवाइज़ मैं सोच रहा हूँ ना कि जो असील को बांधने के लिए यूज़ करते हैं ना पैरों में रस्सी, तो वो हम ऑनलाइन दोस्तों मिलता है तो वो हम मंगवाएंगे और इनको हम बांध के रखेंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो ब्रीड है वो ख़राब नहीं होगा। इनको हम बाहर बांध देंगे जहाँ पे घास वगैरह होगा, तो ये अपना खुद से ये चरेंगे और हमारा जो ब्रीड है वो भी ख़त्म नहीं होगा और हमारे पास RIR और ब्लैक एस्ट्रोलॉप भी रहेगा। तो ये काम दोस्तों हम कर सकते हैं। बाकी रात में दोस्तों ये लोग मैटिंग तो करते हैं नहीं, तो रात को हम फिर शेड के अंदर इनको रख देंगे। और ये नाम लेते दोस्तों हाजिर हो गया है। तो ये रहा हमारा और एक RIR। और दोस्तों ये जो अंडा है ना, ये इसका शेप आप देख सकते हो, मतलब पूरा जो ओवल होता है ना ओवल शेप पूरा नहीं है। और इसका दोस्तों कारण यही है कि अभी फ़िलहाल ना मैं कैल्शियम एक्चुअली नहीं दे रहा हूँ मुर्गियों को। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि हम अपने फार्म पे दोस्तों एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन जो है ना वो जल्दी यूज़ नहीं करेंगे, तो उस कारण से मैं कैल्शियम इनको अभी तक मैंने नहीं दिया है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों कोई नेचुरल जो है ना तरीके से कैल्शियम को हम भरपूर करें, तो वो काम देखते हैं कैसे क्या होता है। और इस अंडे का प्रॉपर शेप नहीं होने का कारण दोस्तों वही है कि कैल्शियम का कमी है कहीं ना कहीं उनके बॉडी में, इस वजह से ये ऐसा अंडे दे रही है। और वीडियो कैप्चर करने के चक्कर में मैंने इनको अभी तक फीड नहीं दिया है, तो इनको भी फीड हम डाल देते हैं और इसमें हम फीड डालते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मैं ज़मीन में डालता हूँ ना तो मतलब उसमें बीट करती हैं मुर्गियाँ, चूज़े बीट करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। और इसमें मैं डालता हूँ ना तो इसमें क्या होता है कि मुर्गी जो है ना थोड़ा थोड़ा निकाल के देती है इनको, तो उससे क्या होगा कि तो ये आप देख सकते हो चूज़े भी ना अब बड़े हो गए हैं। तो मुर्गी दोस्तों देख सकते हो आप वो ना निकाल के देती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि फीड हमारा बर्बाद नहीं होता है, और दूसरी बात है कि जो फर्श गीला है, गीला हो रहा है या फिर ये जो चिपक जा रहे हैं ज़मीन पे, तो वो नहीं चिप। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे और जो भी आप कर रहे हैं ना बेहतरीन कर रहे होंगे। आप देख सकते हो एक बाज ना यहाँ उड़ के आ रहा है, तो इनसे एक्चुअली बचा के रखना होता है। और ये एक्चुअली छिप भी जाती हैं, तो ये दोस्तों चूज़ों के चलते ना ये आ रहे हैं एक्चुअली। दोस्तों इसने ना एक्चुअली चूज़ों को देख लिया है, इसलिए ना ये घूम रहा है इधर उधर। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारे चूज़े भी ना बहुत समझदार हैं तो वो छिप जाते हैं झाड़ियों में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा माला मुर्गा घास चर रहा है, और वो रहा हमारा RIR, दोनों RIR दोस्तों उधर ही है। और यहाँ पे दोस्तों हमने जो हल्दी लगाया था ना तो वो भी लग चुका है लगभग। तो सिर्फ पहला दिन हमने पानी दिया था इनको, उसके बाद पानी देने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि बारिश दोस्तों हो रही है और इंशाल्लाह जो है सारे पौधे जो है ना वो लग जाएंगे। एक्चुअली कुछ कुछ दोस्तों सूखे हुए भी लग रहे हैं मुझे, जैसे ये पौधा हो गया तो ये सूखा हुआ मुझे लग रहा है, ये एक्चुअली यहाँ दब गया है, तो ये दोस्तों मुझे सूखा हुआ लग रहा है, बट ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे तो जैसे ही अच्छे से पानी पड़ेंगे ना तो ये भी पौधे ना अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और आप देख सकते हो, तो दिन में दोस्तों बहुत कड़ा धूप होता है जिस कारण से इनके पत्ते जो है ना वो सूख गए हैं। और मिली को आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मिली का दोस्तों तबीयत जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, बेहतरीन हो गया है। और बहुत से दोस्त ना मतलब सलाह दे रहे थे मुझे, और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं मतलब मुझे इसे थोड़ा सा जो है ना मछली वगैरह मीट वगैरह मुझे खिलाना चाहिए, ऐसे मैं इसे पूरा जो है ना वेज में अभी रख रहा हूँ। और देख सकते हो आप इसका कारनामा, आप देख सकते हो
तो अभी फुल्ली मैं इसे भेज पे और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने सिर्फ दो ही प्लांट लगाए थे, एक लीची का हमने लगाया था और एक अमरूद का लगाया था। उसके बाद जो है बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी तो हमने प्लांटेशन जो है वो बंद कर दिया था। फिर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने जो है ये कंप्लीट कर दिया है, बाकी हमारा आम जो है यहाँ लग चुका है, मतलब कि लीची, अमरूद और आम। और इधर दोस्तों हमने तीन पौधे और लगाए हैं, ये एक पौधा है और ये दोस्तों ये जो दोनों पौधे हैं ना ये सागवान के पौधे हैं ये दोनों, तो ये भी हमने लगाए हैं और ये भी लगाया है। तो ये भी दोस्तों अच्छा छाव देंगे मुर्गियों को। तो इधर क्या है ना कि अगर बड़ा पेड़ रहेगा ना तो मुर्गियाँ जो है वो इधर आ सकती हैं, और यहाँ आप देख सकते हो चूजे जो है वो काफ़ी दूर तक आ रहे हैं, खुद से फीड खोजते खोजते ना ये यहाँ तक आ गए हैं। इधर आप यहाँ तक देख सकते हो, ये भी हो गए और इस साइड भी यहाँ पे ये है, तो ये काफ़ी दूर दूर तक जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा भी दूर ना जाए, अदरवाइज क्या होगा ना कि अगर, तो उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और ये आप देख सकते हो सारे चूजे जो है वो अपनी माओ के साथ है, ये वाली मुर्गी हो गई, वो मुर्गी हो गई। और हमारा जो अमरूद का पौधा है ना वो थोड़ा सा नर्म लग रहा है, मतलब इसे पानी की ज़रूरत है, तो इसे हम पानी ला कर देते हैं अभी, अदरवाइज़ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि पत्ते जो है वो थोड़ा सा मुरझाए हुए लग रहे हैं मुझे, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, बरसात का मौसम है दोस्तों। बरसात के मौसम में ना पौधे लगाने का यही फ़ायदा है, आप पानी नहीं भी डालो ना तो वो लग जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा देसी मुर्गा, वो पौधे तो हमने लगा दिए हैं लेकिन एक पौधा हमारा बचा हुआ है यहाँ पे, केला का पौधा। तो ये भी मैं पौधा उसी दिन लेकर आया था बट इसे मैंने अभी तक नहीं लगाया। और दोस्तों कारण यही है कि मतलब इधर जो आदिवासी रहते हैं तो उनका बोलना है कि केले के पौधे अगर लगाओगे ना आप तो पति पत्नी में झगड़ा होता है। अब पता नहीं ये सच है या फिर झूठ है, अब ये पता नहीं। बट दोस्तों हल्दी का पौधा मैं लेने गया था जिनसे, तो उनके पास काफ़ी जो है ना केले के भी पौधे थे, तो मैंने उनको बोला था कि आप केले के पौधे दो मुझे, मैं अपने फार्म पे लगाऊंगा। बट उन्होंने यही बात बोला कि आप केले के पौधे मत लगाओ, पति पत्नी में ना झगड़ा होता है। पता नहीं दोस्तों क्या है क्या नहीं है, बट इसे तो हम लगाएंगे क्योंकि हम अपने घर पे नहीं लगा रहे हैं, हम अपने फार्म पे लगा रहे हैं, हमारा घर यहाँ नहीं है। तो अगर हम घर पे लगाते तो ये प्रॉब्लम हो सकती, बट यहाँ फार्म पे। तो दोस्तों मैंने अभी तक नहीं लगाया है क्योंकि जाली का व्यवस्था करने के बाद ही ना मैं इस साइड जो है ना लगाने वाला हूँ, यहाँ ऊपर पानी के साइड नहीं, यहाँ पे ये एरिया में दोस्तों लगाऊंगा, और उसके बाद घेरने के बाद ही मैं उस पौधे को लगाने वाला हूँ। और यहाँ पे रोमियो और अलीना को आप देख सकते हो, दोनों जो है पानी का इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारा आरआईआर मुर्गा, और यहाँ पे हम चूजों को भी देख लेते हैं कि चूजे कितने बड़े हुए हैं। तो अंधेरे के कारण ना दिखता नहीं है एक्चुअली, और सारे चूजे जो है लग रहा है कि आराम कर रहे हैं। तो ये चूजे दोस्तों बहुत जल्द ना बड़े हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर अपना फ्लाई करेंगे, फ्री फ्लाई। और आज का भी बादल आप देख सकते हो, बेहतरीन नज़ारा। ये पम्पकिन भी ना तोड़ने के लायक हो चुका है, तो इसे भी हम तोड़ सकते हैं अभी, बट देखते हैं अभी थोड़ा दिन रहने देते हैं ऐसे। यहाँ जो है तना इसका ठीक है, और यहाँ का जो पम्पकिन था ना उसे हमने तोड़ दिया है एक्चुअली। यहाँ का आप देख सकते हो ये जो डाली है, डाली नहीं बोलेंगे इसे, लत बोलेंगे। तो यहाँ का जो लत है दोस्तों ये मुड़ना स्टार्ट हो चुका था, और एक्चुअली क्या हो रहा था कि यहाँ जोर पड़ रहा था ना जिस वजह से ये मुड़ चुका था, और ये जो है ना पूरा ऊपर तक जा चुका है और हम रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए मैंने जो पम्पकिन था उसको मैंने तोड़ लिया है और रूम पे रखा हुआ था कि वो पक जाएगा, उसके बाद हम मुर्गियों को देंगे। और यहाँ पे चूजों को देख सकते हो कैसे कर रहे हैं फीड के लिए, और इन्हें एक्चुअली तीन ही टाइम फीड मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जो भी चूजे हैच होते थे ना तो इस मुर्गी को मैं देता था, तो इसके पास ना काफ़ी चूजे हो चुके हैं, तो इसे अब हम चूजे नहीं देंगे, चूजे अब हम देंगे इस मुर्गी को, क्योंकि यहाँ पे जो भी अंडे थे ना वो सारे जो है हैच कर गए हैं, या फिर एक दो अंडे ना ये अंडा जैसे ख़राब हो चुका है। तो ये दोस्तों हमें क्लीन करना होगा, और क्लीन करके ना इस मुर्गी के लिए हम जगह बनाएंगे, ताकि यहाँ से भी जो है ना अंडे हैच होना स्टार्ट हो चुके हैं, वो देख सकते हो। तो कल मैं कैंडलिंग कर रहा था, ये अंडा एक्चुअली ख़राब है तो मैंने साइड पे रखा हुआ है, इसे बाहर फेंकना होगा। तो यहाँ से जो भी चूजे निकलेंगे ना अब, तो वो मैं इस मुर्गी को डालने वाला हूँ। और हमने एंड्रीन और एलेक्स को भी बहुत देर से ना खाना एक्चुअली नहीं दिया, तो इनको हम जल्दी से फीड डालते हैं। और दोस्तों एंड्रीन ना आजकल काटती बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा काटती है और बोलती भी बहुत है। तो ये रही हमारी एंड्रीन और एलेक्स। दोस्तों एलेक्स नहीं बोलता है, पता नहीं क्यों नहीं,
क्यों नहीं बोल रहा वो, लेकिन एंड्रीन हमारी बहुत ही बेहतरीन बोलती है। और हमारी बटेर दोस्तों, बटेर, अरे यार शिट, ये क्या हो गया इसके साथ? ये तो ठीक ठाक थी, इसे क्या हो गया? इधर फीड भी पड़ा हुआ है, पानी भी है, फिर इसे अचानक क्या हो गया? तो हमारे बटेर जो है वो नहीं रही। और बहुत जल्द ना, मैं सोच रहा था एक्चुअली कि जितेंद्र जी को मैं कॉल करूंगा और मेल इसके लिए लेके आऊंगा, लेकिन ये नहीं रही। और कहीं ना कहीं इसका लाइफ जो है ना यहीं तक था। लेकिन दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम इसे नहीं है, आप देख सकते हो इसका वेट भी जो है ना, वेट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इसे क्या हो गया। ये तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि खाना पीना ठीक था, फीड भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि फीड अगर कमी होता तो खाने पीने में कोई कमी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी कीड़े ने काट लिया हो, बट कोई नहीं, इसका जो लाइफ था वो हमारे साथ यहीं तक था। तो इसे दोस्तों हम ले जाकर दफना देते हैं। अभी फिलहाल जो है इसे हम अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी टाइम दोस्तों हो गया है उनको अंदर करने का। तो उनको अंदर करेंगे, उसके बाद रात में इसे हम दफना देंगे। तो बटेर का दोस्तों लाइफ जो है हमारे साथ यहीं तक था, तो इसे हम गुड बाय बोलते हैं और ये जहां भी जाए अच्छे से रहे। और यहां पे हमारा मीटर से मेन स्विच पे कनेक्शन हो चुका है, और मेन स्विच से हमने इन्वर्टर पे भी कनेक्शन डाल दिया है, वहां पे आप देख सकते हो। तो इसका कनेक्शन मैंने एक्चुअली, इसका मेन स्विच का वीडियो मैंने बनाया हुआ है और हेक्टेक डाई वाले चैनल पे डाल भी दिया है, ठीक है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और बाकी जो इन्वर्टर का दोस्तों कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो वो आने वाले वीडियोस पे मैं डालने वाला हूँ, तो पूरा डिटेल में दोस्तों आपको पता चलेगा। मेन स्विच का कनेक्शन, इन्वर्टर का कनेक्शन, वो सारा चीज़ मैंने खुद से किया है। वही अगर मैं किसी बंदे को बुलाता तो वो लगभग ना, इन्वर्टर का कनेक्शन दोस्तों अभी विश्वास नहीं करोगे आप, लगभग मार्केट में 1000-1200 लोग ले लेते हैं सिर्फ इन्वर्टर का कनेक्शन का। तो 1000-1200 हमारा लग जाता, और फिर कनेक्शन वगैरह, स्विच बोर्ड वगैरह, मतलब कि लगभग 1500 ना खर्च हो जाते। बट सारा चीज़ दोस्तों मैंने खुद से किया है, और वो सारा कनेक्शन मैं भी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे करना है क्या करना है। क्योंकि लोग थोड़ा थोड़ा काम के लिए ना इलेक्ट्रीशियन को लोग बुलाते हैं, और लगभग 200-300 वो दे देते हैं, लेकिन खुद से हमें करना चाहिए, और ऐसे में क्या होता है पैसे भी बचते हैं। तो सारा चीज़ का कनेक्शन वगैरह मैं दूसरे वाले चैनल पर डालने वाला हूँ, हेक्टेक डाई में, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। दोस्तों लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे सपोर्ट इस चैनल को दोस्तों मिला है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उस चैनल को भी वैसा ही सपोर्ट मिले। तो वो चैनल भी हमारा ना मोनेटाइज हो चुका है, मतलब कि 4000 घंटा का जो वॉच टाइम होता है, 1000 सब्सक्राइबर जो मोनेटाइजेशन के लिए क्राइटेरिया है, तो वो हमारा उसमें कंप्लीट है ऑलरेडी। और एक बहुत बड़ा अपडेट है यूट्यूब का, और अपडेट यही है कि हम जो सब्सक्राइबर काउंट को छिपा कर रखते थे, मतलब हाइड करके रखते थे, कोई भी बंदा जो है सब्सक्राइबर काउंट देख नहीं पाता था। जैसे हमने भी हाइड किया हुआ, पहले शो किया हुआ था मैंने, बट अभी जो है मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म का भी और हेक्टेक डाइक का भी, दोनों का मैंने हाइड करके रखा हुआ है। लेकिन वो दोस्तों 29 जुलाई से आप मतलब हाइड नहीं कर सकते हो, मतलब कि जो भी नए बंदे हैं ना, जो नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों होता क्या है कि लोग ना सब्सक्राइबर काउंट देख के ही सब्सक्राइब करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो कम सब्सक्राइबर वाले होते हैं ना, तो उनके पास भी अच्छा नॉलेज होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनके पास नॉलेज नहीं होता है। वो वीडियो स्टार्ट किए हैं तो कुछ कारण होगा उसके पीछे, और कुछ नॉलेज है उनको, उनको तभी उन्होंने स्टार्ट किया है। लेकिन जो ऑडियंस का थिंकिंग दोस्तों ऐसा होता है कि जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो उसके वीडियोस में ज़्यादा तो उसके चैनल में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे या फिर कुछ ऐसा, तो ऐसा भी होता है। तो ये होता है ऑडियंस का दोस्तों थिंकिंग। तो इस थिंकिंग से अगर देखा जाए तो जो नए चैनल खोलने वाले हैं, या फिर जिनका मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, या फिर मोनेटाइज होके 1000-2000 सब्सक्राइबर है, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने इस चैनल पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस चैनल पे भी हमारा सब्सक्राइबर काउंट जो है वो बहुत कम है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर इसमें बढ़ाएं, अदरवाइज़ क्या होगा,